जेई मेन 2020 का आज का पेपर है, ये 7 जनवरी का पेपर है। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोगों को मिले हैं बच्चों से, तो ज़रा देखो। एक क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। ये आप देखें कि इसमें गुआनिडिनिक अरेंजमेंट है, ठीक है ना। ये गुआनिडिनिक अरेंजमेंट है, ये एमिडीन वाला अरेंजमेंट है, और ये सेकेंडरी एलिफैटिक अमाइन है, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि इसमें बताइए कि पीकेबी वैल्यू किसकी जो है वो पीकेबी वैल्यू का ऑर्डर क्या है। आपको पता है कि जो बेस स्ट्रांगेस्ट होगा उसकी पीकेबी वैल्यू लोवेस्ट होगी, ठीक है ना। तो ये क्योंकि ये एमिडीनिक है, ये गुआनिडिनिक है, ठीक है ना, गुआनिडिनिक अरेंजमेंट है इसमें। ये एमिडीन वाला अरेंजमेंट है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, इस नाइट्रोजन का अपना लोन पेयर तो लोकलाइज्ड है, और इसको पास वाले नाइट्रोजन से प्लस एम की स्टेबिलिटी मिल रही है। इसमें देखें, इसमें अपर नाइट्रोजन का लोन पेयर तो लोकलाइज्ड है, और इन दोनों ही नाइट्रोजनों से इसको लोन पेयर की प्लस एम की का वो मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा बेसिक ये है, इसके बाद सेकंड मोस्ट बेसिक ये है, और ये इन तीनों में लीस्ट बेसिक ये है। तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा उसकी पीकेबी वैल्यू सबसे कम होगी, उसके बाद फिर इसकी है, और उसके बाद फिर जो है वो सबसे कमज़ोर जो होगा उसकी पीकेबी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, सबसे कमज़ोर भी। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा आंसर 4, यानी कि ये वाला आंसर। नोट करें, जेई मेन 2020 का 7 जनवरी का ये क्वेश्चन है, 7 जनवरी वाले पेपर का ये क्वेश्चन है। 1-methyl-ethylene oxide, ठीक है ना, ऑन रिएक्शन विद HBr इन एक्सेस, तो ये क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देखो, इथाइलिन ऑक्साइड क्या होता है, इथाइलिन ऑक्साइड होता है ऑक्सीरेन या इपॉक्साइड। उसके एक साइड में लगा हुआ है मिथाइल, दिस इज 1-methyl-ethylene oxide। अगर आपने HBr के एक्सेस में ट्रीट किया तो H+ सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले H+ क्या करेगा कि यहाँ पर प्रोटोनेशन कर लेगा। प्रोटोनेशन करने से क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन करने से ये OH+ हो जाएगा, ठीक है ना। अब Br- को ये SN1 के जैसी रिएक्शन है, यानी ज़्यादा क्राउडेड साइड में Br- अटैक कर लेगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पर ब्रोमो, यहाँ पर ये, और ये हो जाएगा OH। लेकिन जैसा कि पहले से बताया गया कि HBr एक्सेस में है, फिर प्रोटोनेशन होगा, फिर प्रोटोनेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये बताओ मैं। फिर प्रोटोनेशन है तो ये OH2+ बन जाएगा, OH2+ बनेगा तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर Br- अटैक करेगा यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर Br और Br आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। 1,2-dibromopropane इज द आंसर। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option 2, इसका नाम है 1,2-dibromopropane, ठीक, नोट करिए। जेई मेन 2020 में 7 जनवरी का ये क्वेश्चन है, 7 जनवरी वाले सेट में ये क्वेश्चन आया है। और मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन जेई का पुराना क्वेश्चन है, जेई में SCQ में ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। सो इट इज एन ओल्ड क्वेश्चन ऑफ जेई, मैं आपको बताऊं, सीधा सीधा उठा के उन्होंने पूछा है, फिर से ये क्वेश्चन पूछा है। Hex-3-Inyl ऑन रिएक्शन विद NaBH4 देन PBr3 देन Mg ether देन CO2 देन H+, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। मैं आपको बताता हूँ Hex-3-Inyl का मतलब क्या हुआ, कितने कार्बन होंगे भाई, 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ये है Hex-3-Inyl। अल मतलब क्या हो गया, 1, 2, 3, अल मतलब एल्डिहाइड। क्या होगा अगर आपने इसको NaBH4 से ट्रीट किया, बताएं, ये रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर ये बन जाएगा OH, और 1, 2, 3 कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड जैसे था वैसे पड़ा हुआ है। अब इन्होंने कहा इसको PBr3 से करेंगे, आपको तो पता है कि PBr3 से अल्कोहल की SN2 रिएक्शन होती है, और कार्बन का इसमें नंबर चेंज नहीं होगा, और ये बन जाएगा CH2Br,
और 1, 2, 3 पर लग जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, जैसे था ये ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद इन्होंने कहा कि अब हम इसमें डालेंगे Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बनों के ऊपर ये बन जाएगा MgBr, राइट, MgBr बन जाएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट आ जाएगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के लिए इन्होंने कहा कि अब इसमें हम CO2 डालेंगे एंड फॉलोड बाई H+ करेंगे, तो ये बन जाता है COH, और एक और एक्स्ट्रा कार्बन आ जाएगा। अब ये सातवां कार्बन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 पर ये आएगा COOH, और इसके 1, 2, 3, 4 पर, यहां जहां ट्रिपल बॉन्ड था वहीं ट्रिपल बॉन्ड रह जाएगा। ऑप्शन ए में देखो इन्होंने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सेम कंपाउंड है ऑप्शन ए वन में, तो आंसर विल बी ऑप्शन वन, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 पर आयन है, ठीक, और हेप्टेनोइक एसिड, तो हेप्टेन हेप्ट फोर आइन ओइक एसिड, इसका नाम क्या होगा, हेप्ट फोर आइन ओइक एसिड, ये हमारा क्वेश्चन होगा। और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये क्वेश्चन जेई में पहले भी आ चुका है, ये जेई का पुराना क्वेश्चन है, तो मैं आपको पहले ही बताता रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट्स को मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जेई के पुराने क्वेश्चन जो एससीक्यू वाले हैं वो जरूर पढ़ के जाएं, नोट करें।